बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। वारा दुनिया माँ धर्म है कुछ दान करियो। दुनिया वारा दुनिया माँ धर्म है कुछ दान करियो। दीनन गरीबन अनाथन जो कुछ ध्यान करियो। दीनन गरीबन अनाथन जो कुछ ध्यान करियो। मिसकीनन महर धारे धर्म जो अंग विचारे। मन जी ममता के मारे कयो कोई सुकृत सारे। कयो कोई सुकृत सारे। कयो कोई सुकृत सारे। दुनिया वारा दुनिया जो मूर ना अभिमान करियो। दुनिया वारा दुनिया मा धर्म ऐ कुछ दान करियो। दुनिया जो मान मिटाए हिरस हवास हटाए। दिल के उदार बनाए कर्म शुभ खूब कमाए। कर्म शुभ खूब कमाए। कर्म शुभ खूब कमाए। दुनिया वारा आए जो मान ऐ सम्मान करियो। दुनिया वारा दुनिया मा धर्म ऐ कुछ दान करियो। दुनिया ही अचणी वजणी कैसा ना है संग हलणी। करे का चंगी करनी लायो प्रभु जी चरणी। लायो प्रभु जी चरणी। लायो प्रभु जी चरणी। दुनिया वारा दुनिया मां जीवन जो कल्याण करियो। दुनिया वारा दुनिया मां धर्म ऐ कुछ दान करियो। दुनिया सा सफली आहे लोक पर लोक ठाहे। कहे टेऊं दुखड़ा लाहे आखिर जा मुक्ति मिलाए। आखिर जा मुक्ति मिलाए। आखिर जा मुक्ति मिलाए। दुनिया वारा दुनिया सा राजी श्री भगवान करियो। दुनिया वारा दुनिया मा धर्म ऐ कुछ दान करियो। धर्म ऐ कुछ दान करियो। राग भैरवी भजन 96। दुनिया वारा दुनिया मा धर्म ऐ कुछ दान करियो। दीनन गरीबन ऐ अनाथन जो कुछ ध्यान करियो। परमात्मा ने जो साधन दिए हैं उन साधनों का सदुपयोग करने की प्रेरणा गुरु महाराज जी इस भजन में दे रहे हैं कि आपके पास अगर धन संपत्ति है दूसरे साधन है तो धर्म करो दान पुण्य करो। जो दीन गरीब अनाथ हैं जिनको आवश्यकता है जितना हो सके उनका भी ध्यान करो। तुम्हारे पास अथाह संपत्ति है तो कुछ न कुछ दान करना ये हमें शास्त्र सिखलाते हैं। मिसकीनन महर धारे धर्म जो अंग विचारे
मन जी ममता के मारे कयो कोई सुकृत सारे। सुकृत माना उपकार, दूसरों का भला करो। ममता उस धन में मत रखो। मिस्कीन जिनके पास कुछ भी संपत्ति साधन नहीं, उनका उपकार करो, उनका भला करो, ये धर्म की शिक्षा है। दुनिया वारा दुनिया जो मूर ना अभिमान करे। कभी भी धन और संपत्ति का अभिमान न करें, शरीर का भी अभिमान न करें। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर। नारायण गोविंद भज क्यों चाटे जगद्गुरु। धन और जोभन ये स्थिर रहने वाले नहीं, चंचल हैं, इसलिए इनका अभिमान मत करो। दुनिया जो मान मिटाए, हिरस हवास हटाए, ईर्ष्या द्वेष हटा दो। मन के अंदर संसार की संपत्ति का अभिमान न रखें। दिल के उदार बनाए, कर्म शुभ खूब कमाए। उदारता का स्वभाव धारण करो, जितना हो सके दान पुण्य करो, शुभ कर्म करो। दुनिया वारा आए जो मान ए सम्मान करो। जो तुम्हारे दरवाजे पे आता है उसका सम्मान करो। हेम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान। संतों की वाणी कहती है कि स्वर्ण दान करने से, हाथी घोड़े दान करने से बड़ा दान है सम्मान। किसी का आदर करना, किसी के प्रति मीठी वाणी बोलना, वो उस स्वर्ण दान से भी बड़ा है। दुनिया ही अचणी वंजणी, कैसा नाहे संग हलणी। ये संसार की माया संपत्ति वस्तुएं आने जाने वाली है, ये किसी के साथ नहीं जाती। करे का चंगी करनी, लायो प्रभु जी चरणी। कुछ अच्छे कार्य करके उस धन संपत्ति को सफल बनाओ। दुनिया वारा दुनिया माँ जीवन जो कल्याण करो। जितना हो सके जगत के जीवों का कल्याण उद्धार करो। जितनी भी तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य है, किसी को सतमार्ग दिखाना, किसी को ईश्वरीय प्रेम की तरफ प्रेरित करना, मदद करना, सहायता करना, ये शुभ कार्य करो। दुनिया सा सफली आहे, लोक परलोक ठाहे, कहे टेऊं दुखड़ा लाहे, आखिर जा मुक्त मिलाए। संसार की संपत्ति और साधन वही सफले हैं जो इस लोक को भी बनाए और परलोक को भी बनाए। दूसरों को सहायता करें इस लोक में, परलोक में उन शुभ कर्मों की जो हमने राशि एकत्रित की, उसका फल हमें परलोक में मिलेगा। तुम्हारे कष्ट दुख दूर होंगे। और अगर गुरुदेव के नाम का विधि से अभ्यास किया तो मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। दुनिया वारा दुनिया सा राजी श्री भगवान करियो। परमात्मा उसी पर प्रसन्न होते हैं जो उनकी बनाई हुई सृष्टि को, उनके बनाए हुए ब्रह्मांड के जीवों को उपकार करता है, उनका भला करता है, उस पर ईश्वर भी राजी होते हैं। तो उस भजन में गुरु महाराज जी ने संपत्ति साधन सफल करने की प्रेरणा देकर के जिज्ञासुओं को सत उपदेश दिया। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी
हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां
रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।